सी आई ई टी एन सी ई आर टी द्वारा प्रस्तुत है कक्षा नौ के लिए उर्दू की पाठ्य पुस्तक नवाए उर्दू भाग एक आइए सुनते हैं नवाए उर्दू भाग एक का पांचवा सबक अब्दुल हलीम शरर सफा सैतालीस मुख्तर मजमून उर्दू में मुख्तर मजमून निगारी का आगाज सरसैयद से होता है उन्होंने इस सिंफ़ को समाजी असलाह के एक वसीले के तौर पर इस्तेमाल किया इसके बाद मज़मून निगारी भी एक सिंफ़ की हैसियत से राइज हो गई समाजी मौजुआत के अलावा इल्मी, अदबी फलसफियाना और दीगर मौजूद पर भी मज़ामीन लिखे जा सकते हैं हाली शिबली मोहम्मद हुसैन आज़ाद नज़ीर अहमद मीर नासिर अली नियाज फतेहपुरी रशीद अहमद सिद्दीकी मिर्ज़ा फ़रहतुल्ला बेग महफूज अली बदायूनी अबुल कलाम आज़ाद ख़्वाजा गुलामुस्ैन वग़ैरह उर्दू के अहम मज़मून नगारों में शुमार होते हैं मुख्तर मज़मून की एक शक्ल इशाइया कहलाती है इंशाइया और मज़मून में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है लेकिन आमतौर पर इंशाइया में मिजा और तंजिया खुश मिजाजी का रंग होता है और इंशाया निगार अक्सर बातें अपने हवाले से या अक्सर अपने ही बारे में बयान करता है सफ़ा नंबर अड़तालीस अब्दुल हलीम शरर तारुफ मुसन्नफ अब्दुल हलीम शरर 1860 ईसवी ईस्वी से 1926 ईस्वी तक अब्दुल हलीम नाम और शरर तखल्लुस था वो लखनऊ में पैदा हुए और उनकी इब्तदाई तालीम लखनऊ में हुई बाद में इनके वालिद हकीम तफजुल हुसैन ने इनको कलकत्ता मटिया बुर्ज बुला लिया यहां हकीम साहब वाजिद अली शाह की मुलाजमत में थे अहले इल्म का भी अच्छा मजमा था शरर की इल्मी नशो नुमा यही हुई उन्होंने उर्दू फारसी अंग्रेज़ी और अरबी में महारत हासिल कर ली 1870 सौ ईस्वी में शरर को फिर लखनऊ वापस आना पड़ा लखनऊ आकर शरर ने अपना इल्मी मशला बराबर जारी रखा मुख्तलिफ अहल कमाल से फैज़ हासिल करते रहे अट्ठारह सौ उनासी में वो मज़ीद तालीम के लिए दिल्ली गए दहली पहुँचकर शरण ने न सिर्फ़ तालीम हासिल की बल्कि तालीफ का सिलसिला भी शुरू कर दिया दिल्ली से लखनऊ वापस आने के बाद अट्ठारह सौ इक्यासी ईस्वी में उन्होंने अवध अखबार की मुलाज़मत कर ली जिसमें बराबर मज़ामीन लिखते रहे अट्ठारह सौ सत्तासी ईस्वी में शरर ने अपना रिसाला दिल गुदास जारी किया कुछ दिनों के बाद इस रिसाले में उनके नावल मुल्कुल अज़ीज़ वर्जिना हुस्ने एंजेलिना और मंसूर मोहिना किस्तवार शाया होने लगे कुछ मुद्दत बाद माली तंगियों की वजह से उनको हैदराबाद जाना पड़ा यहाँ रहकर उन्होंने तारीख़ी सिंध लिखनी शुरू की नवाब वक़ार मरा ने उनकी कद्रदानी की और अपने बेटे के साथ अट्ठारह सौ तिरानवे ईस्वी में इंग्लिस्तान भेज दिया जहाँ तीन साल तक क़याम रहा और उन्होंने फ़्रांसीसी जबान भी सीख ली वापस आकर हैदराबाद से दिलगुदास जारी किया 1909 सौ ईस्वी में वो लखनऊ वापस आ गए और उन्होंने यही वफात पाई सफ़ा नंबर उनचास अब्दुल हलीम शरर ने उर्दू में तारीख़ी नावल की इब्तदा की इसके अलावा उन्होंने ड्रामे भी लिखे जिनमें एक मंजूम ड्रामा भी था गुदश्ता लखनऊ नामी किताब में उन्होंने नवाबी लखनऊ के आखिरी ज़माने की तहज़ीब का बहुत दिलचस्प और मालूमत अफ़रोज़ मुरक् पेश किया है सफ़ा नंबर पचास देहात की जिंदगी मुसन्फ अब्दुल हलीम शरर ऐ शहर के आलीशान महलों में रहने वालों तुम्हें नहीं मालूम कि देहात के रहने वाले दुनिया का क्या लुत्फ़ उठाते हैं तुम एक मंजिले इशरत में हो आलम की निरंगियां तुम्हारी नज़र से बहुत कम गुजरती हैं जिस मकाम पर तुम हो वहाँ सुबह शाम की मुख्तलिफ़ हकीक़तें भी अपना पूरा पूरा असर नहीं दिखा सकती तुम्हें ख़बर भी नहीं होती कि आफताब कब निकला और कब गुब हुआ हवा किस तरफ की चली और क्या बाहर दिखा गई मगर गरीब देहात वाले जिन्हें तुम अक्सर हक़ारत की नज़र से देखते हो वो उन उमूर का हर वक्त अंदाज़ा करते रहते हैं हर सुबह उन्हें एक नया लुत्फ देती है और हर शाम से उन्हें एक नई राहत नसीब होती है गांव के जफाकुश रहने वाले सुबह के तारे हनूस झिलमिलाने भी नहीं पाते कि वो अपनी रात की राहत से उकता चुकते हैं ऐसे वक्त में नसीम के खुशगवार और नाज़ुक झोंके आते हैं और बड़े अदब के साथ उन्हें जगाने लगते हैं उस वक़्त उनके नाज और बाद सहर के नियाज देखने के क़ाबिल होते हैं सुबह की हवा निहायत शगुफ़्तगी के साथ जगाती है और वो नहीं जागते सिर्फ़ करवटें बदल बदल कर रह जाते हैं बाद सहर यूं ही इसरार करती होती है कि सुबह के नकीब मरगने सहर उठते हैं और उन्हें उठाते हैं गरीब मेहनत पसंद लोग ताज़ा दम उठ बैठते हैं वक्त की कैफ़ियतों को निहायत निायतौर से बड़े लुत्फ़ के साथ देखते हैं उनका पहला काम ये होता है कि झोपड़ियों से बाहर निकलें आसमान को देखा जिसमें तारे झिलमिला रहे थे उफ़ मशरक़ पर नज़र डाली जो रात भर के चमके हुए तारों पर गाली बाई जाती थी कुछ कुछ नमोदार होने वाले दरख्तों को देखा जिन पर चिड़ियाँ चहचहा रही थीं ये समा उन्हें अपनी खूबियां दिखाकर बेखुद करने को था कि उन्होंने अपने दिन के काम को याद किया आगे बढ़े और राग की दबी हुई आग पर गिरी हुई पत्तियां जमा करके आग जलाई ताप ताप के अफसुरदा हाथ पाँव को गरमाया उसके बाद पास के शिकस्ता झोपड़े में जाकर बैल खोले और ऐन उस वक़्त जबकि आफताब की खड़ी खड़ी किरने मशी किनारा आसमान से ऊपर को चढ़ती नजर आती हैं ये लोग लंबे-लंबे हलों को कांधे पर रखकर खेत की तरफ रवाना हुए खेतों की मेंढों पर जा रहे हैं और जमीन की फयाजियों को किस मुसर्रत और खुशी की नज़र से देखते जाते हैं हरे हरे खेत ठंडी ठंडी हवा के चलने से लहरा रहे हैं नज़र उस खुशगवार सब्ज़ी पर अजब लुत्फ़ के साथ खेलती हुई दूर तक चली जाती है छोटे छोटे पौधे जो खुदा के पास से दुनिया वालों की रोजी ले आते हैं किस कदर शगुफ्ता और बशाश नज़र आते हैं रात का बुरका उड़ाकर आसमान ने उन्हें और ज्यादा खूबसूरत बना दिया है क्योंकि तारों की छाओं में इस वक्त उनकी नाज़ुक और छोटी पत्तियों पर शबनम के मोती झलक रहे हैं एक आलम जवाहिर है जिस पर झिलमिलाते हुए तारों की शुआएं खुदा जाने क्या कैफ़ियतें दिखा रही हैं इन जफाकशों ने उस वसी मैदान को निहायत शौक से देखा जो उस वक़्त तो सिर्फ़ उनकी नज़र ही को खुश करता है मगर असल में कुदरत के हदिये और नेचर के तोहफे हर जानदार को उसकी फयाजियों से मिलते हैं ये लोग खेतों में पहुँच अपनी गफलत पर नादिम हो गए क्योंकि और लोग उनसे पेशतर पहुँच चुके थे ये लोग तरोताज़ा खेतों में मुंतशिर हो गए आफताब की किरणों ने जो अमीर गरीब सबको एक नज़र से देखती है खेतों की मेंढों और कुओं के किनारों पर उनका खैर मक़दम किया सफ़ा नंबर इक्यावन अब ये लोग अपने काम में मसरूफ हैं कि नेचर के जज्बात भी उन पर अपना असर नहीं डाल सकते और कुदरत की बहार भी उनकी दिलफरेबी करने से आजिज है वो हरा हरा सब्जाजार वो सुहाना समा वो सुबह की बहार वो तरोताज़ा हवा वो उजली किरने ऐसी चीज़ें हैं जिनका शौक़ अक्सर बेचैन तबीयत वालों को शहरों से बाहर खींच कर ले जाया करता है बार बार हम पर ऐसी वहशत सवार होती है कि घर से दो तीन कोस तक निकल गए हैं मगर ये लोग अपने रोज़ाना के कामों में ऐसे मसरूफ़ हैं कि कैफ़ियतों को आंख उठाकर नहीं देखते ज़मीन की इस इस तादाद के बढ़ाने में जान से साई हैं जो सिर्फ़ उनके लिए नहीं तमाम दुनिया के लिए मुफीद है जान तोड़ मेहनत कर रहे हैं गरीब कम कुवत बैल जो शायद रिस्क रिसानी आलम की फ़िक्र में दुबले हो गए हैं उनके हाथों की मार खाते हैं और ज़मीन को पैदावार के काबिल बनाते चले जाते हैं अपनी मेहनत आसान करने के लिए ये लोग निहायत दर्दनाक आवाज़ में कुछ गाते जाते हैं और उनकी आवाज़ खुले मैदान में गूंज-गूंज कर एक नई कैफियत पैदा करती जाती है कुओं के किनारे वाले पानी निकाल निकाल कर ज़मीन को सैराब और छोटे छोटे दरख्तों को जिंदा कर रहे हैं देखो वो किस शौक से इस बात के मुंतजिर हैं कि डोल ऊपर आए और उंडे लें और जिस वक्त डोल इनके हाथ में आ जाता है किस जोश के आलम में चिल्ला उठते हैं पानी उनकी बड़ी दौलत है जिसकी उम्मीद में वो आरसूमंद बनकर कभी आसमान की तरफ देखते हैं और कभी कुओं की तरफ रुख करते हैं सफा नंबर बावन आफ्ताब पूरी बुलंदी पर पहुंचकर नीचे की तरफ़ माइल होता है और झुकते झुकते उफक मगरिब के क़रीब पहुंचते वक़्त बाग़ आलम की दिलचस्पियों से रुखसत होने के ख़याल में ज़र्द पड़ जाता है ख़ुलासा ये कि आफताब की हालत और वज़ा में इख्तिलाफ़ हो जाते हैं मगर ये न थकने वाले और धुन के पक्के दहकान एक ही वज़ा और एक ही सूरत से अपना काम किए जाते हैं न मेहनत उन्हें थकाती है न मशक्कत उन्हें मांदा करती है न धूप से परेशान होते हैं न काम करने से उकताते हैं अलगर्ज़ आफताब गुरूब होता है दिन उनसे रुखसत होता है और ये शाम की दिलफरेब कैफ़ियतों का लुत्फ बखूबी देख कर ये उम्मीद लगा कर के कल खेतों को आज से ज़्यादा तरोताज़ा पाएंगे अपने खेतों से रुखसत होते हैं खुश खुश इस कच्चे और कम हैसियत घर में आते हैं जिसे हम नहायत जिल्लत की निगाह से देखा करते हैं बीबी गरीबी का खाना और फसल के मुनासिब गज़ा उनके सामने लाकर रख देती है और ये तहे दिल से खुदा का शुक्र अदा करके खाते हैं और दूसरे दिन की मेहनत का ख्याल करके अपने तई सवेरे ही सुला देते हैं ये वो वक्त है जिस वक्त शहरों के पहर चढ़े तक सोने वाले सियाकार अपनी शर्मनाक ज़िंदगी के बुरे नमूने दिखाने के लिए जागते हैं जाहिद नमाज ऐशा पढ़ के सो चुका है बेफिक्र गप्पे उड़ा रहे हैं शोरा मज़मून आफ़रीनी की फ़िक्र में है उमरा के महलों में खाने का अहतमाम होता है बच्चे कहानियां सुन रहे हैं तलबा किताब पर झुके हुए हैं मैकश वो प्यास बुझा रहे हैं जो कम वक्त नहीं बुझती है सियाकार बदकारी की धुन में शहर की सड़कें और गलियाँ छान रहा है और जफाकश अजब मीठी नींद में गाफिल हो गए हैं ताकि तड़के आंख खुल जाए ये पिछला इत्मीनान और ये सच्ची आसाइश बेशक हसद के काबिल हैं सफ़ा नंबर त्रेपन गांव अमूमन कुदरत का सच्ची जलवागाह होता है वहाँ के सीन अपनी सादगी और दिल फरेब कैफियतों के साथ इंतहा से ज्यादा दिलचस्प होते हैं ऐ शहर के नाजुक खयाल और चाक बदस्त कारीगरों वहाँ तुम्हारी सनाइयों की बिल्कुल कदरे नहीं वहाँ सिर्फ़ कुदरत की कारीगरी इज्जत की निगाह से देखी जाती है और खुदा की फैयाजियां बड़ी कामयाबी और निहायत शौक के साथ पसंद की जाती हैं इनकी खुशी का पैमाना बहुत छोटा और तंग है वो बहुत थोड़े अरसे में खुश हो जाते हैं और अदना मुसर्रत इनकी भी के लिए काफी होती है वो लहलहाते हुए सब्जाजार जिन्हें वो रोज सुबह और शाम आते जाते वक्त देखा करते हैं उनके मसरूर कर देने के लिए बहुत काफी हैं वो तरोताजा खेत जिनसे ज्यादा पैदावार की उम्मीद है उनकी खुशी को एतदाल से ज्यादा बढ़ा दिया करते हैं देहात का चौधरी अगरचे उसकी हुकूमत चंद कच्चे और टूटे फूटे मकानों और एक वसीम मैदान पर महदूद है मगर अपने हलके का पूरा बादशाह है उसके आगे वहाँ की मुख्तसर आबादी में हर एक का सर झुक जाता है उसके राज को हर शख्स बिला अजर तस्लीम कर लेता है उसके फैसलों की कहीं अपील भी नहीं होती मगर बावजूद इस हुकूमत के देखो वो किस बेतकल्लुफ़ी से अपने मकान के दरवाज़े पर बैठा है दुनियावी पुरतकल्लुफ फ़र्श की ज़रूरत नहीं मेज़ कुर्सी को वो नापसंद करता है क़ुदरत के सादे फ़र्श और ख़ुदा की ज़मीन पर उसका दरबार लगा हुआ है वो अपने मातहतों को अपने रुतबे के करीब ही समझता है इसीलिए ना वो किसी मकाम पर बैठता है और ना गांव वाले किसी जिल्लत की जगह पर बैठते हैं बस ये हालत है कि अगर इज्जत है तो सबकी उसके घर में भी वही सामान और फर्नीचर है जो उसके मातहतों के घर में है पयाल उसका नर्म और आराम वो बिछौना है कच्ची मगर साफ और लिपी हुई कोठरियां उसकी ख्वाब का हैं जफाकश और घर घरग्रस्त बेटियों के हाथ पांव उसके खादिम हैं कोठरियों में भरा हुआ गल्ला उसकी दौलत है चंद दुबले और लाख़िर मवेशी उसका कीमती सरमाया एक कम हैसियत मकान उसकी कोठी है और इर्द गिर्द के खेत और आसपास का सब्जाजार उसका जाँ फिज़ा बाग है सफ़ा नंबर चौवन गांव वालों की ये बात किस क़दर काबिल जिक्र है कि वो एक सादी और बसीत हालत पर हैं उनकी किफ़ायत शारी की ज़िंदगी किस सफ़ाई और इत्मीनान से गुज़रती है उनकी फ़िक्रें हमारे मुक़ाबले में बहुत कम हैं वो हमारे रुपए पैसे की भी मोहताज नहीं हमारा सिक्का भी उनमें बहुत कम मुव्वज है क्योंकि उनकी नज़र हर वक़्त रज़ाक़ मुतलक़ की तरफ़ लगी रहती है इसलिए वो ख़ुदा की बेवास्ता ज़ियाफ़तों ही से सोने का काम भी निकाल लेते हैं गल्ला और अनाज उनका सिक्का है दुनिया की हर चीज जो उनकी ज़रूरतें रफा कर सकती है गल्ले के इवज़ में उनको आसानी और किफायत मिल सकती है गरीब देहातियों की ये बात इसकाबिल है कि हम उनसे एक कारामत सबक लें इत्तेफाक उनकी कु्वत है और बाहमी हमदर्दी उनका हथियार है अफलास और आफात समावी भी कभी उनकी दुश्मन हो जाती है मगर वो उस हथियार को लेकर उठते हैं और कामयाब होते हैं खेतों में पानी पहुंचाते वक्त वो बाहम एक दूसरे की मदद करते रहते हैं खेतों में बीज डालते वक्त वो एक दूसरे को गल्ला कर्ज देते रहते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि एक आलम की फ़िक्र अपने सर लेते हैं और दुनिया भर के लिए खुद मुसीबत में फंसते हैं हम बेफिक्र हैं और अपनी अगराज और बकाये ज़िंदगी के असबाब भूले हुए हैं मगर हमारी तरफ से इस काम को वो पूरा करते हैं इस जफ़ा कशी के इनाम में खुदा की तरफ से उन्हें जो कुछ मिलता है उसमें से खुद बहुत कम लेते हैं और सब हमारे हवाले कर देते हैं सफ़ा नंबर पचपन एक किसान की ज़िंदगी पर गौर करो और उसकी सालाना मेहनत और मशक्कत का अंदाज़ा करो कि किस तरह जान तोड़ तोड़ कर और अपने तई मिटा मिटाकर जफाकशी पर तुला रहता है और इसके बाद ये गौर करो कि वो किस लिए इस मुसीबत में पड़ता है तो मालूम होगा कि वो दुनिया का कितना बड़ा हमदर्द है और हुब्बे मुल्क उसके मिजाज में कूट कूट कर भरी हुई है बेशक वो सारी दुनिया के लिए ये मेहनत करता है और इससे ज्यादा नूएं इंसान का दोस्त दुनिया भर में ना मिलेगा ऐ हमदर्दीए कौम का लफ्ज बार बार जबान पर लाने वालों। अगर अपनी कोशिशों का कुछ नतीजा देखना चाहते हो तो इन गरीब जफाकश दहकानों की पैरवी करो कौम की खेती रोज ब रोज कुमलाती जाती है और चंद रोज में बिल्कुल सूख जाएगी तुम्हारा फर्ज है कि जल्दी उठो और जिस तरह हो सके अपनी राहत बेच बेच कर इन खेतों में पानी पहुंचाओ कौमी खेत के पौधे यानी मौजूदा नस्ल भी ना संभली तो कहीं के ना रहोगे। सफा नंबर छप्पन मश्क लव मानी, इशरत ऐश नीर नगी हैरत पैदा करने की कुत वो सिफत जिससे लोग ताज्जुब या फिक्र में पड़ जाएं, हिकारत, इज्जत की निगाह से ना देखना उमूर अमर की जमा यानी काम बातें हदिया तोहफा जफ़ाकश मेहनती हनूस अब तक बादे शहर सुबह की हवा नकीब ऐलान करने वाला नमूदार जाहिर नुमाया समा मंजर अफसुरदा, उदास फयाजी दरिया दिली सखावत बशाश खुश शुआएं किरने मुंतशिर फैला हुआ बिखरा हुआ वहशत घबराहट दीवान की इस तादाद एहलियत लियाकत रिस्क रसानी रोजी पहुंचाना ओफक वो जगह जहां जमीन और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं वजा शक्ल बनावट मांदा थका हुआ मैकश शराबी चाबुकदस्त मशाक हुनरमंद सन्नाई कारी -करी, बसीत फैला हुआ मुरवज, राइज जिसका चलन हो आफात समावी आसमानी बलाएं, बका बाकी रहना रज्जाक मुतलक खुदा जिसे रिस्क देने का पूरा इख्तियार है दावत। सफ़ा नंबर गौर करने की बात शहरी जिंदगी के मुकाबले में गांव की जिंदगी माहौलियाती आलूगी से पाक होती है लोग एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होकर फितरी माहौल में ज़िंदगी बसर करते हैं देहात के माहौल में फ़ितरत अपनी तमाम खूबियों के साथ जलवागर नज़र आती है सादगी जफाकशी इंसानी हमदर्दी आपसी भाईचारा और एक दूसरे की मदद करने का जज्बा देही ज़िंदगी की अहम खसूसियात हैं किसान दुनिया के इंसानों की भलाई के लिए सख्त मेहनत और मशक्क़त करते हैं मुल्क की तरक्की में उनका अहम किरदार होता है सवालों के जवाब सवाल नंबर एक देहात के रहने वाले जिंदगी का क्या लुत्फ उठाते हैं सवाल नंबर दो शहर के मुकाबले में गाँव की जिंदगी किस तरह मुख्तलिफ होती है सवाल नंबर तीन देही जिंदगी की वो कौन सी खसूसिया हैं जिनसे कौमों और मुल्कों की तरक्की वस्ता है सवाल नंबर चार इस सबक में मुसन्फ ने किसान की जिंदगी के किन पहलुओं पर गौर करने का मशवरा दिया है सफा नंबर अट्ठावन अमली काम इस मजमून का खुलासा अपने अल्फाज में लिखिए आपने कोई गांव जरूर देखा होगा उस पर एक मजमून लिखिए जील के अल्फाज में जमा की वाहिद और वाहिद की जमा बनाइए मंजिल उमूर, तोहफा, जज्पात शायर अमीर किताब खादिम, आफत अस्बाब, अगराज गरीब दर्ज झेल अकतबास का मतलब अपने अल्फाज में लिखिए गांव वालों की ये बात किस क़दर क़ाबिल ज़िक्र है कि वो एक सादी और बसीत हालत पर हैं उनकी चारी की ज़िंदगी किस सफ़ाई और इतमान से गुज़रती है उनकी फ़िक्रें हमारे मुकाबले में बहुत कम हैं वो हमारे रुपए पैसे के भी मोहताज नहीं हमारा सिक्का भी उनमें बहुत कम मुरवज है क्योंकि उनकी नज़र हर वक़्त रज्जा मुतलक की तरफ़ लगी रहती है इसलिए वो खुदा की बेवास्ता जियाफ़तों ही से सोने का काम भी निकाल लेते हैं इसी के साथ नवाए उर्दू भाग एक का पांचवा सबक यहाँ खत्म हुआ इसके बाद सबक छः आता है प्रस्तुति सी आई ई टी एन सी ई आर टी नई दिल्ली भारत